हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एच की टीच में। देखिए स्टूडेंट्स, जो कि आप देखिए सोशल साइंस के हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं अंक तीन के लिए। इससे पहले मैंने अंक दो के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, अगर नहीं देखी है तो पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि पहले आप वो अंक दो की वीडियो देखें, तभी आप सभी वीडियो देखेंगे तो तभी आप इन चैनल प्लस नंबर ला सकते हैं सोशल साइंस में। ऐसे नहीं कि आप एक वीडियो देख कर लाएं तो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, सभी वीडियो देखेंगे तभी आप अच्छी मार्किंग कर सकते हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो हम क्लास टेंथ के सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। आज है पार्ट टू यानी हैशटैग सेकंड बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट जो आएगा हैशटैग थ्री यानी उसमें अंक फोर अंक चार के आपको बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आपको क्या अंक तीन के बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने क्या हैशटैग वन बना दिया है, नहीं देखा तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसके जो अगर आपको आंसर की चाहिए अंक दो के तो उसकी भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए पहले उसी आप वीडियो देखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अब अंक तीन पर बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या इस साल क्या मृदा परिच्छेदिका वाला आया था, तो बहुत ही कम चांसेस है वो, इसलिए जो इस बार आने की पूरी पूरी चांसेस है इन तीनों क्वेश्चन में से हो जाएगी। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामाजिक वन की योजना, ये तो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, तो ये तो आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए पिछले साल क्या मृदा परिच्छेदिका वाला पूछा गया, जो कि बहुत सालों से नहीं पूछा गया, तो इस बार इन क्वेश्चनों को आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप इनको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। अंक तीन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी हैशटैग थ्री, वो भी जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ दोनों साथ में नहीं पूछेगा, या तो आपसे वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ पूछेगा या फिर अप्रत्यक्ष लाभ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, तो आपको फ्रेंड्स बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2017 में पूछा गया था इसलिए मैंने दे दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट रबी और खरीफ की फसल में अंतर, देखिए फ्रेंड्स रबी और खरीफ की फसल में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल 2020 में क्या पूछा गया था, ओनली इनके फसलों के नाम पूछे गए, तो इसमें अंतर आपकी बार पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए घुमा फिरा कर दे सकता है, जरूरी नहीं, ठीक है। तो क्या उन्होंने इस बार क्या फसल के नाम दे दिए थे, ठीक है, लेकिन इस बार अंतर आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना हरित क्रांति, वैसे तो पिछले साल ये दो अंक में ही पूछ दिया गया था, लेकिन वैसे तीन अंक में पूछने लायक वाला क्वेश्चन है, दो अंक में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, आपने साइंस में भी देखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, या प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साइंस और सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ताकि आप अच्छी मार्किंग कर सकें अपनी बोर्ड परीक्षा में। इसी प्रकार मैंने साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन चैनल प्लस आसानी से ला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट मेरे खुद आए साइंस में मेरे कितने 96 थे और सोशल साइंस में 93 थे, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी मार्किंग कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है, नेक्स्ट है उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान बताइए। देखिए वैसे आप इसको कर लें, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़कर जरूर जाएं, आने की चांसेस इतने ज्यादा नहीं है जितने कि मैंने ये क्वेश्चन बताए थे, लेकिन फिर भी आपको ये करना है क्योंकि हमें बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी कमजोर नहीं रहना है, इसलिए सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से करें। वैसे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं, वैसे आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, बुक में या। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे, तो इसमें से क्या तीन नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे अधिकतर क्वेश्चन कर लीजिए इसके, लेकिन फिर मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताना है। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका टिप्पणी लिखना है तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई, ये दो इंपोर्टेंट है, इसके बाद बेगम हजरत बैल और नाना साहब भी हैं। पहले अगर आप ये दो कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप वो दो भी कर लें, ठीक है। वैसे इन्हीं दोनों में से मुख्यतः पूछी जाती है, तो ये दो तो आपको करना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया, तो आपको बताना है जो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति थी उन्होंने किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनको आपको करना ही करना है। चलिए शायद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, बहुत ही ज्यादा अंक तीन के लिए हैं, चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ये देखते हो तो आपके लगभग लगभग श्योरली 12 अंक पक्के हो सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है कि भारत में बसने वाले यूरोपियों ने जो यूरोपीय जिन्हें हम अंग्रेजों के नाम से अंग्रेज भी बोलते हैं, नहीं एल्बर्ट विल का विरोध क्यों किया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपको आंसर भी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, उसमें पीडीएफ आपको डाउनलोड पीडीएफ लिंक देखा मिल जाएगा, वहां पर एक लिंक जो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों के भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहां पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से याद कर सके, ठीक है। तो वहां पर आपको इनके आंसर भी जो लोग कमेंट करेंगे ना, पहले आप ये पीडीएफ
जरूर देख लेना, क्योंकि कमेंट ज्यादा करते हैं, पीडीएफ जरूर देख लेना। जिन लोगों को आंसर चाहिए और क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं पूछ सकता है, वैसे तो हरित क्रांति वाले पूछा जाता है लेकिन मुख्य विशेषताएं पूछा जाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को आपको समझाना है, तो ये अंक फ्रेंड्स अंक 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने अंक 2 की बना दिए, नहीं देखे तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इसके बाद जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, उपयोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है, जल संरक्षण को आपको समझाना है। इसका नेक्स्ट है, वन प्राणी संरक्षण, ये अभी पिछले साल ही पूछा गया था 2020 में, तो इस बार आने की चांसेस हैं, ठीक है। पहले पिछले साल क्या वन प्राणी संरक्षण के उपाय पूछा गया था, आपको ये समझा, ये पूछ सकते हैं कि वन प्राणी संरक्षण क्या है, ठीक है, ये भी कर लेना, मैंने लिख नहीं पाया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको करना ही करना है, ये दोबारा रिपीटेड हो गया है, ये मैंने इधर भी लिख दिया था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की स्थापना की क्या उद्देश्य, 2017 में साल और 19 में ही पूछा गया था, तो इस बार आने की पूरी चांसेस हैं। लगभग इन क्वेश्चनों को आपको करना ही करना है, इनमें से आपके लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंक 3 के, तो लगभग 12 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अंक 2 के जिन लोगों ने देखे हैं पहले अंक 2 के देखें, ठीक है, उसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।